जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव में दखल देने का पूरा हक। जस्टिस क्यों बोले हम आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का पूरा हक है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आमतौर पर माना जाता है कि शीर्ष कोर्ट चुनाव या उससे जुड़ी प्रक्रिया में दखल नहीं देता है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। कोर्ट ने बताया कि दखल कब हो सकता है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला की बेंच ने कहा कि अगर कोई अफसर गलत करता दिखता है तो कोर्ट का दायित्व है कि वो ऐसे मामले में दखल दे। बेंच ने कहा कि लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया चुनाव होती है। चुनाव के जरिए ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनके जरिए एक सरकार बनती है जो देश या किसी सूबे को चलाती है। इस सारे मसले में सबसे अहम चीज़ चुनाव है। चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो जनता के जरिए चुना हुआ प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में पहुंचता है, लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया को आधिकारिक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो कोर्ट मूर्ख दर्शक बनकर नहीं रह सकता। ऐसे में उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। डबल बेंच ने नेका को हल निशान के लिए हकदार बताया था। कोर्ट ने नेका को ये निशान आवंटित करने का विरोध कर रहे लद्दाख प्रशासन की याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी। उस पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 51 पन्नों के आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वो चुनावी प्रक्रिया में दखल दे सकता है। टॉप कोर्ट की टिप्पणी के बाद लद्दाख चुनाव विभाग ने कारगिल में स्थानीय निकाय चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल निशान देते हुए नई अधिसूचना जारी की थी। नए आदेश के मुताबिक कारगिल में स्थानीय निकाय चुनाव अक्टूबर में कराया जाएगा। शीर्ष अदालत की नाखुशी के बाद ही ये फैसला आया। दोस्तों, आप इस खबर पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।